हेलो बेटा लोग, मैं हूँ रोमेश मणि। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा जेमिनल और विसिनल के बारे में, और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे भी फोकस कराऊंगा। उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है? तो देखिएगा, सबसे पहले सीखते हैं जेमिनल के बारे में। जेमिनल क्या है? देखिएगा, अगर एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप लगे होते हैं, एक ही कार्बन पे क्या है, अगर दो सेम ग्रुप होते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, जेमिनल। क्या बोलेंगे? जेमिनल। अगर हम केस लेते हैं हैलाइड का, अगर बात करते हैं जेमिनल हैलाइड का, किसका? जेमिनल हैलाइड का। तो जेमिनल हैलाइड के केस में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अगर दो एक ही कार्बन पे दो सेम हैलोजन लगे हैं, दो सेम हैलोजन लगे हैं। हैलाइड का रिलेशन किससे है? हैलोजन से। हैलोजन, और हैलोजन होते क्या है सबको पता होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हैलोजन फैमिली है जिसको आप ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं, ठीक? ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए। अगर एक ही कार्बन पे दो सेम हैलोजन है तो उसको क्या बोलोगे? जेमिनल हैलाइड, ठीक है? क्या बोलोगे? जेमिनल हैलाइड। अब देखिएगा, इसको हम लोग जेमिनल हैलाइड को जेम डाइहैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जेम डाई हैलाइड, ठीक? जेम डाइहैलाइड। अब जो मैं बता रहा था आपको कि किस पॉइंट पे आपको फोकस करना है, वो ये पॉइंट है। जेम डाइहैलाइड का जो कॉमन नेम है बेटा, कॉमन नेम है, जेम डाइहैलाइड का जो कॉमन नेम है, ठीक है? जेम डाइहैलाइड का जो कॉमन नेम है वो क्या है, देखिएगा, वो है आपका एल काइलीडीन हैलाइड। क्या है? एल काइलीडीन हैलाइड, एल काइलीडीन हैलाइड। इस पे आपको फोकस करना है, एल काइलीडीन हैलाइड, ये आपको फोकस करना है। तो अगर मैं बोलूं इन केस ऑफ, अगर जेमिनल का केस पढ़ते हैं, जेमिनल हैलाइड का, तो वो क्या है? जेम डाई हैलाइड। इसका कॉमन नेम क्या है? एल काइलीडीन हैलाइड। क्या है? एल काइलीडीन हैलाइड है। क्या है बेटा? एल काइलीड, मेरे साथ बोले, एल काइलीडीन हैलाइड। जेम डाई हैलाइड का कॉमन नेम क्या है? एल काइलीडीन हैलाइड। क्लियर? इसको थोड़ा सा और एग्जांपल से समझते हैं। देखिएगा, अगर आपके सामने CH3 और CHCl2, तो ये कौन सा केस है, विसिनल का या जेमिनल का? तो देखिएगा, CH3 लिख लिया आपने, ये CH, और इस CH पे कितने क्लोरीन लगे हुए हैं? दो क्लोरीन लगा हुआ, तो कहीं ना कहीं ये कौन सा केस हो गया, जेम डाई क्लोराइड का। क्या हो गया? जेम डाई क्लोराइड का केस हो गया, ठीक? इसका मैं पूछूं कॉमन नेम क्या है, आप लोग बताएं कॉमन नेम क्या है। तो अभी जैसा हमने बताया आपको कि जेम डाई हैलाइड का कॉमन नेम क्या है, क्या बताया था? एल्काइलीडीन हैलाइड, एल्काइलीडीन हैलाइड, ये कॉमन नेम है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कॉमन नेम मैंने आपको याद करा दिया। देखिएगा, यहां पे फोकस करिएगा, ये जो AlK है, ये क्या है? AlK की पॉइंट है। AlK की जगह क्या लिखना है आपको? नंबर ऑफ कार्बन को पुट कर देना है, नंबर ऑफ कार्बन को पुट कर देना है। अगर बाई चांस आपके सामने दो कार्बन है तो आप क्या लिखोगे AlK की जगह? H। तीन कार्बन है तो क्या लिखोगे? प्रोप। चार कार्बन है तो क्या लिखोगे? ब्यूट। पांच कार्बन है तो क्या लिखोगे? पेंट, ठीक है? तो आप देखिएगा, इसका कॉमन नेम क्या मैंने बताया जेम डाइहैलाइड का? एल्काइलीडीन हैलाइड, और यहाँ हैलाइड में हैलोजन का नेम लिख देना, नेम ऑफ हैलोजन लिख देना, नेम ऑफ हैलोजन। अब देखिएगा, इसका नेम आपको लिखना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वन एंड टू कार्बन है, टू कार्बन, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? टू कार्बन से यहाँ पे AlK की जगह क्या लिखोगे? दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ, एथ लिख दिया, आगे की चीज वैसे लिख दो, एथाइलीडीन। अब यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है, तो क्या लिखोगे? एथाइलीडीन क्लोराइड। क्या बोलोगे? एथाइलीडीन क्लोराइड। क्या बोलोगे? एथाइलीडीन क्लोराइड बोलोगे। बात यह है कि अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है एथाइलीडीन क्लोराइड का आयुपैक नेम लिखिए, क्वेश्चन यही होगा, तो जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि एथाइलीडीन क्लोराइड होता क्या है, जब तक आप उसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, तब तक उसके आयुपैक नेम नहीं लिख पाओगे।
क्लियर कि नहीं क्लियर? तो अगर बोलता है एथाइलीडीन क्लोराइड का आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो देखिएगा कैसे लिखोगे आप, जब तक आप स्ट्रक्चर, तो आपने क्या किया, एथाइलीडीन क्लोराइड आपको पता चल गया कि भाई ये जेम डाई हैलाइड का ही केस है, ठीक, तो आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया। तो आप आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे, 1,2। आई होप आईयूपीएसी नेम लिखना आपको आता होगा। तो क्या लिखोगे, 1 पे क्या लगा हुआ, 2 हैलोजन लिखा हुआ, तो क्या लिखोगे, 1,1 डाई क्लोरो, रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 2 कार्बन, तो क्या लिखोगे, HN। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, क्लियर। तो चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। आपके सामने CH3, CH, F and F देता है, तो आपको ये समझ में आ गया सर ये जेम डाई फ्लोराइड का केस है, जेम डाई फ्लोराइड का केस है। अब बोलेगा इसका कॉमन नेम लिखिए, तो एल्काइलीडीन हैलाइड होता है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो क्या लिखोगे, एथाइलीडीन फ्लोराइड हो गया। अब इसका बोलता है आईयूपीएसी नेम लिखिए, तो आप सिंपल सा 1,2, तो क्या लिखोगे, 1,1 डाई फ्लोरो फ्लोरो एथेन, 1,1 डाई फ्लोरो एथेन, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। तो मेन चीज मैंने आपको किस पे फोकस कराना चाहा, कि आप जेम डाई हैलाइड का नेम क्या होगा, कॉमन नेम एल्काइलीडीन हैलाइड क्या हो जाएगा, देखिएगा फिर से मैं लिख रहा हूं, जेम डाई हैलाइड का कॉमन नेम क्या होगा, एल्काइलीडीन हैलाइड, इसी पे आपको फोकस करना है और इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं विसिनल के बारे में, विसिनल के बारे में। विसिनल क्या होता है, 2 एडजेसेंट कार्बन पे अगर सेम ग्रुप लगे हैं, अगर 2 एडजेसेंट कार्बन पे क्या लगे हैं, सेम ग्रुप लगे हैं, 2 एडजेसेंट कार्बन पे क्या लगे बेटा, सेम ग्रुप लगे हैं, तो उसको क्या बोलोगे, विसिनल बोलोगे, क्या बोलोगे, विसिनल। अगर यही केस क्या हो गया, विसिनल हैलाइड का, विसिनल हैलाइड, तो अब क्या ये 2 ग्रुप की जगह पे क्या आ जाएंगे, हैलोजन आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, हैलोजन आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे बेटा, हैलोजन आ जाएंगे। अब इसका भी जो मेन पॉइंट है जिस पे आपको मुझे फोकस कराना है, वो क्या है इसका, कि विसिनल हैलाइड का, विसिनल हैलाइड का इस कॉमन नेम क्या है, विसिनल हैलाइड का क्या कॉमन नेम क्या है। तो देखिएगा इसको विक डाई हैलाइड भी बोलोगे, विक डाई हैलाइड भी, ठीक, विक डाई हैलाइड, ठीक। इसका कॉमन नेम क्या है, देखिएगा इसका कॉमन नेम, इसी को आपको फोकस करना, कॉमन नेम, कॉमन नेम बेटा है इसका एल्काइलीन डाई हैलाइड। क्या है इसका कॉमन नेम, एल्काइलीन डाई हैलाइड, यही ध्यान रखना। विसिनल हैलाइड का कॉमन नेम क्या है, एल्काइलीन डाई हैलाइड है, विसिनल हैलाइड का कॉमन नेम क्या है, एल्काइलीन डाई हैलाइड है, क्या है, एल्काइलीन डाई हैलाइड है। फिर से मैं लिख रहा हूं, देखिएगा विक डाई हैलाइड का कॉमन नेम क्या है, एल्काइलीन डाई हैलाइड है, क्या है, एल्काइलीन डाई हैलाइड है। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देखिएगा जैसे आपके सामने ये दे दूं मैं, अगर यहाँ पे 2 हैलोजन मैंने लगा दिया, तो देखो एडजेसेंट कार्बन पे 2 सेम हैलोजन लगे हैं, तो किसका पार्ट हो गया है, विसिनल का पार्ट हो गया, इसको क्या बोलोगे, विसिनल विक डाई क्लोराइड बोल दोगे, क्या बोलोगे, विक डाई क्लोराइड बोल दोगे, क्या बोलोगे, विक डाई क्लोराइड। अब इसका बोलता है कॉमन नेम बताइए, तो देखिएगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या फोकस कराया था, कि ALK की जगह पे क्या करना है, आपको नंबर ऑफ कार्बन पुट कर देना, तो कितने कार्बन है, 1 and 2, तो 2 कार्बन से क्या लिखोगे, एथ, तो क्या लिखोगे, एथ, इसकी जगह क्या प्लेस कर दिया, एथ, तो एथाइलीन,
एथाइलीन, फिर डाई लगा दिया, यहाँ पे हैलाइड की जगह हैलोजन है, कौन सा हैलोजन है, क्लोरीन है, इसको क्या बोलोगे, क्लोराइड, क्या बोलोगे, क्लोराइड, तो एथाइलीन, एथाइलीन डाई क्लोराइड, क्या नाम हो जाएगा इसका, एथाइलीन डाई क्लोराइड, क्लियर। इसका आईपैक नेम अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, 1.2 डाई क्लोरो एथेन, डाई क्लोरो एथेन, ये है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपको विसिनल डाई हैलाइड का कॉमन नेम पता होना चाहिए, कॉमन नेम पता होगा, अगर उसने आईपैक नेम पूछ लिया तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तुरंत आईपैक नेम लिख सकते हो। तो ये कॉमन नेम में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो आई होप आपको दोनों चीजें विसिनल डाई हैलाइड और जेम डाई हैलाइड के कॉमन नेम विद आईपैक क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहें और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।